नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पीड़ित ने की प्रशासन से आवास की मांग। बताते चलें कि मामला है कन्नौज के विकासखंड हसेरन के ग्राम पंचायत कांकरकुई का, जहां नसीम पुत्र शमसुद्दीन ने बताया कि मेरे कच्चे घर के दीवार के किनारे पानी आ जाने से मेरा घर गिर गया। आपको बताते चलें कि जिस व्यक्ति का हैंडपंप है उसका नाम शकील पुत्र मुन्नू है। पीड़ित ने बताया कि मैं अपना परिवार मजदूरी करके जैसे तैसे चला पा रहा हूं, मैं घर कैसे बना पाऊंगा। पीड़ित ने कहा कि मेरे परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, मैं अपने परिवार के साथ दूसरे के घर में रह रहा हूं, मेरे मकान में जो सामान था वह भी दब गया, अब मैं क्या करूं। पीड़ित नसीम ने बड़े दुख के साथ कहा कि मुझे आवास ही दिला दिया जाए जो कि मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकूं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं का लाभ नसीम पुत्र शमसुद्दीन को मिल पाता है या नहीं। क्या समस्या है? यही समस्या है, आप मकान गिर गया मेरा, इसीलिए चाहता हूँ कुछ हो जाए। मकान किस प्रकार से गिरा है? वो समर नदी है, समर की वजह से मतलब नीचे सीढ़ी जाती रही इसीलिए गिर गया। समर किसकी है? हमारा शकील की। अच्छा, पड़ोसी की है? हाँ। अच्छा, उसका पानी न्यास में जाता रहा इसलिए गिर गई? हाँ बिल्कुल, न्यास में पानी जाता था और जब कहते थे तो मुझे कहते थे मुझे क्या मतलब है गिर जाए, मुझसे क्या मतलब है। और तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं ये कुछ मिल जाए तो मतलब मेरा कुछ हो जाए, गरीब आदमी है क्या करें, मजबूरी है कि आप बच्चे करते हैं। आपके पति क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, जो काम मिल जाता कर लेते हैं। तो आपका पालन पोषण बहुत कम हो पाता होगा? और क्या, बच्चे भी नहीं पाल पाते, इतनी मजबूरी करते हैं, एक दिन मिल जाए खाओ चार दिन बैठ के खा ले। तो आपको आवास की जरूरत है? हाँ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम शमसुद्दीन है। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले। आपके साथ क्या घटना हुई? आप मेरे साथ घटना हुई, वो मेरे मकान था कच्चा, वो पूरा गिर गया, नल पड़ोस में खड़ा था जी। अब वो मेरे पास रहने की जगह नहीं है, अब दूसरे मकान में खाना बनाते खाते हैं, ये झोपड़ी में लेटते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से किसी अधिकारी से मेरी सूचना हो जाए कि मुझे कुछ आवाज मिल जाए इससे हम रह सकें उसमें। अच्छा, अपने बीवी बच्चों को कहाँ रखते हो आप? आप बंगले में रखते हूँ। किसके घर पर? दूसरे घर में रहता हूँ। दूसरे घर पे रहते? हाँ, दूसरे घर में रह रहा हूँ। आप ऐसे कब तक रहेंगे? अब जब तक मेरे पास तो पैदा नहीं, मजबूरी करके बच्चे पाल रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 4 बच्चे हैं, 2 लोग अपना। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए डीडी टुडे के साथ। नमस्कार।